गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसा रहा आपका दिन? दोस्तों, मैं आज कुछ आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। आप लोग जब नेक्स्ट डे का प्लान करते हो तो किस हिसाब से करते हो? आप हो सकता है मेरे से बेहतर करते होगे, पर मैं आज आप लोग को कुछ आइडिया देता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ कि कैसे आप एक ट्रेडिंग प्लान तय करते हो नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट था और ये वाला एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने बखूबी आज टच किया है। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ इस बात की, क्योंकि जो अब मार्केट को फेस करना है वो ये वाले हैं। अब इनको हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मान लो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट का बिहेवियर कल किस तरीके से हो सकता है। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट उस लेवल से, यानी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये 39,400 के आसपास से मार्केट नीचे आया। दोस्तों, एक चीज़ आपको देखनी है, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिहाज से देखा जाए तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिहाज से अगर देखोगे, जब आप कल स्टॉप लॉसेस एनालाइज कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो कुछ बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे, राइट, अब बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जरूर अवेलेबल थे उसके बाद, लेकिन जो मॉर्निंग में हुआ है ना, यहाँ पे जो बाइंग के ही ऑर्डर्स मिले हैं मार्केट को, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो बायर्स हैं यहाँ पे, मार्केट का जो है, इनका जो प्रॉफिट है ना मार्केट में, वो काफ़ी हो गया। हम मार्केट क्या करेगा, इनको ऐसे छोड़ेगा नहीं, इतना बड़ा प्रॉफिट देगा नहीं, और साफ निफ्टी में भी यही दिख रहा था। अब बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन निफ्टी उतना क्यों नहीं गिरा? अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी बाय ऑर्डर्स थे मार्केट को, वहाँ पर मिले थे, यहाँ भी बाय ऑर्डर्स मिले थे, तो ये लोग और ये लोग, मतलब जो यहाँ पे बाइंग करके गए हैं और जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, दोनों अच्छे प्रॉफिट में थे। ठीक है, और तो मार्केट में ऊपर भी कोई स्टॉप लॉसेज नहीं थे, तो मार्केट क्या किया, एक नीचे की तरफ आया है इन लोगों के स्टॉप लॉसेज को कम करने। अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी लगा लोगे, अगर फिबोनाची लगाओगे इस एरिया से, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा मार्केट में कि ये जो बायर्स हैं, इनका जो स्टॉप लॉस, इनका जो प्रॉफिट है वो कितना कम हुआ है। करीब 0.7 के आसपास तक मार्केट आया है, और इन सारे लोगों का स्टॉप लॉसेज मार्केट ने खाया है। ठीक है, अभी तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखिए, उसके बाद अब हमारे लिए यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, राइट, तो यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पर भी सेलर्स होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी मार्क के ऊपर है, थोड़ा सा थीटा डिके रहता है, तो हम थोड़ा बफर लेके चलते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास यहाँ जो स्टॉप लॉसेज हैं वो इस एरिया में होंगे, राइट। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, निफ्टी का चार्ट में देखें क्यों क्यों ऐसा कि निफ्टी निफ्टी में जो है जो मार्केट नीचे क्यों नहीं आया ज़्यादा, तो इसका एक रीजन हो सकता है, यहाँ पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स हैं, सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप थे जब मॉर्निंग में ये मूव आई थी, जो वीक हैंड है मार्केट में, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से निकल गए होंगे। अब निकल गए होंगे तो मार्केट में नीचे स्टॉप लॉसेज, अब मार्केट में जो भी स्टॉप लॉसेज फ्रेश बनेंगे वो यहाँ से बाइंग शुरू होगी, तब बनेंगे। तो यहाँ से मार्केट ने, अगर आप फिबोनाची लगाओगे टॉप पे, तो मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेज या इनके प्रॉफिट को भी इजीली कम किया है, और मार्केट यहाँ तक आया है, राइट। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, इस पूरे लेवल को टच किया है, राइट। तो अब यहाँ भी आप देखोगे तो मार्केट में इनकी आज जो लास्ट मोमेंट पे जो मार्केट पिकअप किया है, तो यहाँ पे इनके बायर्स के स्टॉप लॉसेज जरूर होंगे। अब बाइंग के स्टॉप लॉसेज निफ्टी में इधर हैं, राइट। और अगर मार्केट कल कल अगर जैसे गैप डाउन खुलता है, अगर मान लो मार्केट इस तरफ खुलता है, करीब गैप डाउन खुलता है, तो क्या होगा, मार्केट में सेलर्स के स्टॉप लॉसेज ऊपर रहेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, इनको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मूव के लिए, तभी हम कहते हैं कि हम क्या है, एक पोजीशन बना रहे हैं लॉन्ग के लिए। ठीक है,
कोई ना कोई लॉजिक से बना रहे हैं, राइट? कोई ना कोई लॉजिक से बना रहे हैं, जब डायरेक्ट एक इस लेवल का मान लो डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो एक ट्रेड ये हो सकता है मार्केट में, ठीक है। दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है, अगर मार्केट मार्केट यहाँ ऊपर गैप अप होता है, लाइक गैप अप होता है, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे बच जाएंगे बायर्स, नीचे बचेंगे। अगर मार्केट वहाँ ऊपर जाता है कंटिन्यूअसली, स्टॉप लॉसेज वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में अगर नीचे एक कम मूव आती है तो इनके प्रॉफिट को कम करने मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ये निफ्टी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीके का ये हो गया। अब कई लोग के सवाल थे जो मैं यहाँ पे क्लियर करते जाता हूँ। लोगों के सवाल ये थे कि क्या हम ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं क्या अपनी बातों को क्लियर करने के लिए। डेफिनेटली जो भी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल अगर आपको देखना है तो ऑप्शन चेन में देख लीजिए कि कौन कितना बड़ा साइकोलॉजिकल, जितना अच्छा ओआई होल्ड कर रहा होगा उतना बड़ा लेवल है वो, ठीक है। अब जब कल मार्केट ऊपर खुल गया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग तो ट्रैप होंगे होंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट का सिनेरियो कुछ इस तरह से मिलता है, मान लो नॉर्मल मार्केट खुलता है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले इनके जो यहाँ से बाइंग करके गए इनका हो सकता है कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट कम करे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर। ये वाली रैली अगर आपको मिल गई ना, लाइव बन जाएगी, लाइव बन जाएगी इन द सेंस कि मतलब एक अच्छी मूव आएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होंगे ना अब ट्रैप होने शुरू हैं, वहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग अभी, आप जब ऑप्शन चेन खोल के देखोगे तो वहाँ पे आज इतना मार्केट ऊपर आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की है। या तो वो ही जानते हैं कि मार्केट नीचे आने वाला है, या तो फिर वो लोग ट्रैप हो चुके हैं और वो एक रिस्क ले रहे हैं। अगर वो रिस्क उनके अगेंस्ट जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में आएगी, ठीक है दोस्तों। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या है, मार्केट में जो स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ ऊपर है। अब कैसे मार्केट को आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे अप्रोच करने का एक तरीका है कि जो भी स्टॉप लॉसेज हैं ऊपर हैं तो मार्केट क्या करेगा, मान लो गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होता है तो क्या होगा, गैप डाउन होने की स्थिति में क्या होगा, मार्केट इनको तो छोड़ेगा नहीं, सबसे पहले तो इनका स्टॉप लॉस ले जाएगा, यानी इनका इनका प्रॉफिट कम करेगा, इनके स्टॉप लॉस से जो। और हम साथ में निफ्टी का भी नेचर देखेंगे, निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। अगर यहाँ भी सेम कंडीशन है, अगर ये एक बार मॉर्निंग में एकदम से एक अपसाइड मूव दिखाता है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करता है, तो ये भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में आएगी, राइट। तो हम लोग मतलब ऐसे करके पहले ही दिन डिसाइड कर लेते हैं कि यार अगर ये मूव ऐसे निकली, ऐसे आएगी तो हम ऐसे एक्शन लेंगे, अगर ऐसे आएगी तो ऐसा लेंगे। अगर आप सोचिए सिर्फ एंगल्फिंग से कोई मार्केट चलता तो क्या बात होती, फिर एक पूरा एक पैटर्न फॉलो करता है मार्केट, सिर्फ हमारे 2 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के लिए थोड़ा ना मार्केट ऊपर नीचे करेगा, एक पैटर्न चलता है एक कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, यहाँ यहाँ से लोग ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में, तो मार्केट उसी हिसाब से एक अपनी पोजीशन लेता है, राइट। अगर इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, अगर डेली चार्ट में देखोगे तो डेली चार्ट में भी ये जो 39 थोड़ा बहुत अगर ये गैप फिल होने वाला होगा कल तो फिल हो सकता है, अदरवाइज ऊपर साइड में हमारे लिए बहुत आसमान खुला हुआ है, तो हम बहुत अच्छा, मैं पर्सनली मैं अभी भी बुलिश हूँ। कम से कम 40,000 यानी 40,000 तक तो कम से कम हम, अगर हो सकता है अगर कल एक अच्छी मूव आई तो हमको एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो पर्सनली बुलिश हूँ। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको रोज ऐसे ही करना है, अब ऐसे ही एनालाइज करना है, कुछ चीज़ें गलत होंगी कुछ चीज़ें सही होंगी, लेकिन जिस दिन से आप शुरू कर दोगे तो आपके लिए वो दिन से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप जब तैयारी में रहते हो आप चीज़ें बेहतर करते हो, ये सबको पता है, तो आप तैयारी क्यों ना करो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है, कुछ नई चीज़ें बताऊंगा रोज, डेली की डेली चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कुछ आपको बताने लायक नया होता है तो मिलता हूँ। थैंक यू।